हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एएलपी टेक्नीशियन का आज का जो पेपर था 17 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का, वो हो चुका है। उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं मुझे मैथ के प्लस रीजनिंग के भी। इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी को, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखा दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबा करके जरूर चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ताकि हर एक शिफ्ट का एनालिसिस आपके के पास टाइम पे पहुंचते रहे। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अभी ना बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन शायद ना पहुँचे, तो आप बार बार चेक करते रहिएगा चैनल पे आके, ठीक है। इसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे मुझे साइंस और करंट अफेयर के, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था मैथ का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। राम और राधा की एज का रेशियो दे रखा था 1:2, ठीक है, और उनकी एज का सम दे रखा था 87, और यहाँ पे पूछा था कि राम की एज क्या होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सम दे दिया एज का, तो इन दोनों की एज के जो रेशियो दे रखा है उनसे, उनके सम से डिवाइड कर देंगे इसको 87 को, जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 87 को 3 से डिवाइड कर देंगे, और पूछा है राम का तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पूछा है राधा का तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 87 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना का, 29, 29 की 1 में करेंगे तो राम की एज कितनी आ गई, 29 ईयर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रखा हूँ। नेक्स्ट आपका था 2153, 2153 का की पावर 167 की यूनिट डिजिट पूछी गई थी। तो यूनिट डिजिट पूछी गई, तो इसका मतलब आपका 215, इसको तो हटा देंगे, ठीक है, 3 ये होगी यूनिट डिजिट। और अब क्या करेंगे, 167 जो पावर है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, यानी कि आपकी 3 की पावर कितनी बच गई, 3, तो 3 की पावर 3 कितना होगा, 27, और हमें यूनिट डिजिट पूछा है तो क्या होगी, तो 7 यूनिट डिजिट हो जाएगी, तो राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको मिक्स जो क्वेश्चंस कराता हूँ, जो मिक्स क्वेश्चंस की वीडियो बना रहा हूँ, डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो भी जरूर देख लिया करें। ये सारे क्वेश्चन मैं कवर करा रखे हैं वहाँ पे। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद आपको कल या परसों की वीडियो में कराया था, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, बिल्कुल डिट्टो ये क्वेश्चन कराया था, और अभी मैं समझाऊंगा तो आपको याद भी आ जाएगा कि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। एक काम को 18 आदमी 6 घंटे काम करते हैं तो 12 दिन में काम हो जाता है, अगर 36 आदमी 3 घंटे काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पहले वाले जितने आदमी जितने घंटे में जितने दिन में कार्य करते हैं उन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और एक आपने सुना भी होगा MDH, MDH बराबर MDH2, इस तरीके से हम लिख के भी इस क्वेश्चन को करते हैं याद रखने के लिए, बट इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। पहले वाले 18 आदमी 6 घंटे में कार्य कर लेते हैं, ठीक है, सॉरी 6 घंटे रोज कार्य करते हैं तो 12 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब पूछा है 36 आदमी अगर 3 घंटे रोज काम करे तो कितने दिन में ये काम कंप्लीट होगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कल वाली आप मेरी वीडियो उठा के देखोगे ना, तो उसमें मैंने क्वेश्चन करा रखा है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 18 मल्टीप्लाई 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, डे 12 की मल्टीप्लाई, और 6 घंटे रोज काम करते हैं तो 6 की मल्टीप्लाई, फिर M2 का मतलब यहाँ पे है कि जब दोबारा हम आदमी कितने लगा रहे हैं, 36 आदमी लगा रहे हैं, 36 कितने दिन में हमें कराना है वो हमें निकालना है, डे 2, और 3 घंटे रोज कार्य करते हैं, तो दोनों को इक्वल करके लिख लेंगे, ठीक है। जब ये इक्वल करके लिखे होते हैं तो हम जो इधर से जो चीज़ें कट सकती हैं दोनों साइड से हम उनको काट देंगे, जैसे 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, 18 से 36 कट जाएगा 2 टाइम, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो डे 2 यानी कि D2 आपका क्या आ गया, 12 डेज, ठीक है, यानी कि 12 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा अगर 36 आदमी 3 घंटे रोज कार्य करे तो ये 12 दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस इजी आने स्टार्ट हो गए हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, टाइम मैनेजमेंट के साथ में क्वेश्चन को करेंगे तो सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और 100% आंसर भी सही आएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं, पहले मैथ का दे दिया, फिर रीजनिंग का दे दिया, फिर साइंस का दे दिया, फिर करंट अफेयर का दे दिया, इससे थोड़ी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको हर एक वीडियो में एक चीज़ याद दिलाता हूँ, दिमाग में रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव मार्किंग है तो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे, जो मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर मैं 45 अटैम्प्ट करके आया हूँ, मैं 50 करके आऊँ, कोई भी बच्चा 60-70 बोल नहीं रहा है कि 60 अबोव मैं करके आया हूँ, ठीक है। तो आप भी ज़्यादा टेंशन ना लें, अच्छे से मतलब जितना मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में उसको अटैम्प्ट करके टाइम मैनेजमेंट के साथ में, क्योंकि कई बार क्या होता है आप शुरू में लगे रहते हैं, बाद में जो टाइम बचता है, सॉरी बाद में जो क्वेश्चन बचते हैं उनके
उसके लिए आपको टाइम नहीं बचता है, तो आपको टाइम को अपने मैनेजमेंट में रख के ही क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको इतनी बार बोला हूँ कि स्क्वायर रूट याद कर लीजिए 50 तक, 25 तक, 30 तक। अगर किसी ने 25 तक भी याद किए होंगे तो देखिए 24 का ये 576 होता है, तो बिल्कुल सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हैं एक सेकंड में, बस आपको टिक लगाना था और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। एक यहाँ पे पूछा गया था 435 में क्या जोड़ें कि यह पूरा का पूरा स्क्वायर रूट बन जाए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसमें हो 8, 3, 7, 6 इस तरीके से कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ऑप्शन को जोड़, जो भी ऑप्शन दे रखा है उसको जोड़ कर देखेंगे, तो 435 में जैसे आप ऐड करके देखेंगे इसको तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 443 हो जाएगा, ठीक है। 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 438 हो जाएगा, तो ये किसी के स्क्वायर रूट होते हैं नहीं होते हैं। 7 ऐड करेंगे तो कितना 442, ये भी नहीं होता है। तो 6 को ऐड करेंगे तो 441, ये किसका होता है 21 का। आप इजिली देखिए 25 से भी ऊपर नहीं जा रहे हैं, अगर आपके 25 30 तक, देखिए मिनिमम 30 तक तो कर ही लें क्योंकि 20 तक तो आप सभी को पता ही होता है स्क्वायर, 10 और फालतू कर लें 30 तक जिसके स्क्वायर रूट याद है, तो देखिए दो क्वेश्चन आपके कितने आसान तरीके से और टाइम सेव करके आप कर सकते थे। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जिस जो टाइम सेव कर पा रहा है वही सिलेक्शन लेके जाएगा, ये देख लेना आप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 441, और यानी कि ये 441 किसका होता है 21 का, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए एक देखिए ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैं आपको इतनी बार करा चुका हूँ टाइम एंड वर्क में भी और पाइपलाइन सिस्टम में भी। यहाँ पे बोला गया था कि एक टंकी किसी टैंक को 2 घंटे में भरती है, और जब एक टंकी खाली करने वाले टंकी के साथ में, यानी कि एक टंकी है मान लीजिए ये वाली, अगर ये एक पाइप इसको भरे तो इसको 2 घंटे में भर देता है ये ए पाइप। अगर यहाँ पे इसमें एक लीकेज भी हो जाए, एक छेद भी नीचे हो कर दिया जाए और ये पाइप इसको भरता रहे ऊपर वाला, तो इसको भरने में इसको अब कितना टाइम लग रहा है 2 से 1/3, यानी कि 1/3 टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चीज़ कैसे भी पूछ लीजिए आपको कॉन्सेप्ट वो यूज करना है, ये 2 घंटे भरता है और जब ये बी एक खाली करने वाला पाइप भी इसके साथ में लगा दिया जाता है तो 2 से 1/3 यानी कि 7/3 घंटे में इसको भरता है। तो आपको क्या करना है दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, ऊपर ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लीजिए, 2 का और 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 जो आएगा, ये 14 को अब यहाँ पे एक एक घंटे का वर्क निकालेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 घंटे में ए तो भरता है 7 यूनिट पानी, फिर 14 को डिवाइड करेंगे 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 7 × 2 = 14 यानी कि 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यानी कि 6 आ गया। ए और बी मिलके, ए इसमें भरने वाला पाइप है और बी निकालने वाला, दोनों मिलके 6 यूनिट पानी भरते हैं 1 घंटे में, यानी कि इस बी पाइप की वजह से 1 यूनिट पानी कम हो गया, ठीक है ना भाई। और ये पाइप क्या है, ये खाली करने वाला है, तो यहाँ पे यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो खाली करने वाला पाइप है अगर इसको खाली कराया जाए भरी हुई टंकी को तो कितनी देर में खाली करेगा। हमें पता है पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है 14 यूनिट की, और ये 1 घंटे में 1 यूनिट पानी निकाल रहा है, तो 14 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 आवर्स, यानी कि ये इसको 14 घंटे में खाली करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के करा रखे हैं, जिसने भी मैथ की सारी वीडियो देख रखी होगी डेफिनेटली वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए कि हाँ सारे मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा और क्वेश्चन नहीं है, और जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी मैं आपको टाइम पे बिल्कुल प्रोवाइड कराता रहूँगा, बस आपको वीडियो देखते रहना है। आज मैं पूरा दिन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको टाइम ये बता देता हूँ मैथ के किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अभी ये भी एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हैं, वो भी शाम तक, शाम की जो 9 से 10 के बीच में थर्ड शिफ्ट की मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें सब कुछ प्रोवाइड करा देता हूँ, तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन है, एज से भी, SICI से, मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से, स्पीड एंड डिस्टेंस से, एवरेज से, परसेंटेज से, पार्टनरशिप से, इन सभी से आपके क्वेश्चंस हैं, तो इन चैप्टर पे तो खास ध्यान रखिएगा। और मैं आपको यहां पे बताता हूं अभी रीजनिंग का कुछ क्वेश्चंस, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन है मेरे पास। यहां पे एक था क्वेश्चन सम रेट इज कैट और सम कैट इज मंकी, तो ये वाला आप कैसे करेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कंक्लूजन दे रखे हैं। पहले हम ये इसका डायग्राम बना लेते हैं। सम वाली कंडीशन आप सभी को पता है, सम रेट इज कैट, तो सम रेट यानी कि आर आपका हो गया सम रेट इज कैट, ठीक है, ये वाली होगी। फिर यहाँ पे बोला गया सम कैट इज मंकी, तो कैट ये है तो सम इसमें हल्का सा कट लगाएंगे तो ये सम कैट इज मंकी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, सम मंकी इज रेट, तो सम मंकी जो मंकी यहाँ पे है और रेट यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो बिल्कुल हटा दीजिए, सोचना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे बोला गया दूसरे वाले में सम रेट इज कैट, तो सम रेट
इज कैट, तो बिल्कुल सही बात है भाई, रैट और कैट दोनों आपस में कट कर रहे हैं ना, और इनके बीच में रिलेशन बताया भी गया है, तो बिल्कुल सही है, ये वाली सही हो जाएगी। सम वाली कंडीशन सही होगी, अगर यहाँ पे ऑल वाली कंडीशन होती तो वो करेक्ट नहीं होती, क्योंकि ऑल वाली कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब वो कोई एक को दूसरा कवर कर रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे बोला जाता है कि ऑल रैट इज कैट, तो ये वाली कंडीशन ऑल वाली ये थी, यहाँ पे सम और ऑल वाली दोनों की सेटिस्फाई हो जाती। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था आपका, यदि आज फ्राइडे है 30 दिन बाद क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, 30 को डिवाइड करना है 7 से, तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्राइडे को का दिन कौन सा होता है, पांचवा, तो 5 + 2 करना है, तो कितना होगा, 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 पे क्या होता है, संडे, तो संडे हो जाएगा आपका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाइम देखिए, कैलेंडर से और एक आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, मिरर इमेज से और वाटर इमेज से, एनालोगी से, ये कुछ चैप्टर ऐसे हो चुके हैं जिनके टॉपिक भी चेंज नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल फिक्स आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, ये भी, 15 फेब 2018 को थर्सडे है, तो 15 फेब 2019 को क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा, मैंने एक बार अपनी वीडियो में कवर भी किया है, जो क्लॉक वाला और आपका ये था कैलेंडर वाली वीडियो, कि जब भी ये वाली कंडीशन होती है तो बस आपको एक नेक्स्ट डे बता देना होता है। जैसे थर्सडे है तो नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 फेब 2018 की बात की गई है, यहाँ 15 फेब 2019 की, तो आपको बस एक दिन आगे बढ़ाना है, कुछ सोचना ही नहीं था। तो आज का जो पेपर मुझे लगा है, ओवरऑल ऐसा लगा कि मतलब डायरेक्ट आंसर बहुत, जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी होगी वो डायरेक्ट आंसर बहुत जल्दी बता सकते थे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हो गया, जैसे मैथ में हो गए 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है, एक इससे ऊपर वाला क्वेश्चन भी हो गया, तो ज़्यादातर क्वेश्चन थे कि जिसने पढ़ाई कर रखी है और उसको थोड़ी भी नॉलेज है, जैसे स्क्वायर वाले वो मैं बता रहा हूँ मैथ के, स्क्वायर जिसको पता होगा तो वो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेकेंडों में करके आने थे उसे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, और 11 बजे वाला ऑनलाइन टेस्ट को बिल्कुल भी मिस मत किया करें, उसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं अभी, तो उनको जरूर ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, टेलीग्राम, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी शाम तक। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।